रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बहादुरगढ़ की जन समर्थन सभा में दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से सहयोग और समर्थन मांगा है। दीपेंद्र ने भाजपा के 70 साल के तंज का भी जवाब मंच से दिया है। उन्होंने कहा है कि 70 साल में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी जितनी बेरोजगारी 5 साल में बढ़ी है। रुपया इतना नहीं गिरा जितना 5 साल में गिर गया है। बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का काम किया है। भाजपा के टारगेट रोहतक पर दीपेंद्र ने कहा कि राजनीति में लक्ष्य विकास, रोजगार और भाईचारे को मजबूत करने का होना चाहिए, लेकिन भाजपा का लक्ष्य और टारगेट सिर्फ उन्हें हराने का हो गया है। उन्होंने कहा है कि उनका टारगेट किसी को हराने का नहीं है बल्कि विकास करने का है। साथ ही पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का कार्यकाल था। बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर 70 साल के रिकॉर्ड बना दिए सरकार ने। जैसे मैंने मंच पे कहा, 70 साल में बेरोजगारी का इतना रिकॉर्ड स्तर नहीं हुआ। 70 साल में कभी बैंक का पैसा इतना बड़े उद्योगपतियों का नहीं डूबा के माध्यम से नहीं डूबा। 70 साल में कभी रुपया इतना सस्ता डॉलर के मामले में नहीं हुआ। 70 साल में कभी डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में हुआ है। 70 साल में कभी इतना भाईचारा नहीं पे आँच नहीं आई जितनी इस सरकार में आई। और 70 साल में कभी इतना झूठ नहीं बोला गया जितना इस सरकार में झूठ की और फूट की राजनीति करी। तभी आज देश में जो अभी 3 राज्यों के चुनाव हुआ है उसके जो नतीजे थे वो इस बात को दर्शाते थे कि देश में सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ कहाँ पर पहुँच गया गिर के। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर ये जो हरियाणा की सरकार है, इस सरकार ने हरियाणा को बहुत नुकसान पहुँचाया 5 साल में। और हमारा संकल्प है, हम एक संदेश देंगे, हमारा संकल्प है कि हरियाणा को दोबारा से आपस के भाईचारे के, आपस के प्रेम के रास्ते पे लेके आएंगे और विकास के मामले में विस्तरीय विकास हरियाणा में हो, हमारे लोकसभा क्षेत्र में हो, इस बात के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और यही हमारा एक संकल्प संघर्ष है और इसका संदेश यहाँ की जनता देगी।